Oh, I'm sorry. किस लिए? शायद मैं गलत क्लास में आ गया. किस क्लास में जाना है आपको? फिजिक्स. गुड डे. एक मिनट, ये नाम सुना है एम्पेडक्लीज? क्या कहा? एम्पेडक्लीज, द प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर जिसने कॉस्मोगनी पर काम किया. मैंने कहा ना मैं गलत क्लास में. फिजिक्स क्लास ढूंढ रहे हैं, बताया आपने. कॉस्मोगनी कॉस्मोस के ओरिजिन की स्टडी को कहते हैं, और एम्पेडक्लीज वो पहला इंसान था जिसने ये सवाल पूछा था कि लाइट क्या है. I'm sorry, वैसे आप कौन है? उनका मानना था कि एफ्रोडाइटी एक वुमन, शायद आपको पता ना हो, उन्होंने इंसान की आंख बनाई और उसमें आग जलाई ताकि हम देख सके. ये तो अजीब बात है, क्योंकि अगर ये सही होता तो हमें रात में भी साफ नजर आना चाहिए था. एम्पेडक्लीज को भी यही लगा, इसलिए उन्होंने कहा हो सकता है सूरज की किरणें आंखों से निकलने वाली किरणों से जुड़ी हो. ये बात अजीब सी है, पर अगर उसने ये नहीं सोचा होता तो वो थ्योरीज नहीं होती जो एरिस्टोटल, यूक्लिड, फिर अलहाजन, केपलर, न्यूटन, फैराडे और हाँ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सोची. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि एक महिला ये समझ सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का घुमाव मैग्नेटिक फील्ड के नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव के बराबर होता है. फैराडेज लॉ, द मैक्सवेल फैराडे इक्वेशन अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो. एम्पेडक्लीज इसके बारे में भले ही गलत थे, पर उन्होंने एक यूनिवर्सल ट्रूथ डिस्कवर किया. इंसान की समझ बहुत छोटी है, हमें लगता है कि पूरी तस्वीर दिख रही है पर बस एक छोटा हिस्सा दिख रहा है. गुड मॉर्निंग प्रोफेसर वेबर. हे आइंस्टाइन, तो तुम्हारी मुलाकात उस स्टूडेंट से होगी जिसने एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स में तुमसे ज्यादा नंबर पाए थे. इससे मिलो, ये है मिलेवा मारिश.